Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीम। यूपी पुलिस की टॉप 65 माफियाओं की लिस्ट में शुमार गैंगस्टर अनिल दुजाना को आज मेरठ भुलाझाल के निकट एसटीएफए पुलिस ने मार गिराया। ग्रेटर नोएडा का अनिल दुजाना काफी समय से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। उस पर 50 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। अनिल दुजाना की फील्डिंग सजाने में पिछले कुछ दिनों से एसटीएफए पुलिस की 60 टीम सक्रिय थी। इस टीम ने 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक अनिल दुजाना के मेरठ की भोलाझाल इलाके में सक्रिय होने की पुख्ता सूचना पुलिस एसटीएफ की टीम को मिली थी। इसी पर पिछले कुछ समय से काम चल रहा था। आज इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसे घेर लिया था, तभी उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में अनिल दुजाना मौके पर ही मारा गया। एनसीआर के बड़े बदमाशों में शुमार अनिल दुजाना ने AK-47 से गैंगस्टर सुंदर भाटी पर फायरिंग की थी। जमानत पर जेल से बाहर आते ही अनिल दुजाना ने जयचंद प्रधान मर्डर केस में उसकी पत्नी और गवाह संगीता को धमकी दी थी। इसके बाद अनिल दुजाना के खिलाफ पिछले सप्ताह में 2 और मुकदमे दर्ज किए गए। उस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बादलपुर का दुजाना गाँव कभी कुख्यात सुंदर नगर और सुंदर डाकू के नाम से जाना जाता था। 70 और 80 के दशक में सुंदर का दिल्ली एनसीआर में खौफ था। वो कितना कुख्यात था इसका अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को जान से मारने की धमकी दे दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।